नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। रामपुर से जो कि बड़ी खबर आ रही है, दौरे पर है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी रामपुर से, जीरो पॉइंट से मुरादाबाद के लिए हुए हैं रवाना। जीरो पॉइंट से आजम खां के साथ हुए हैं रवाना। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में अखिलेश और आजम खां करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रामपुर से सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव आजम खां के साथ रवाना हुआ है। कार्यक्रम में अखिलेश और आजम खां शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जीरो पॉइंट से मुरादाबाद के लिए अखिलेश यादव रवाना हुए हैं, उनके साथ आजम खां भी शामिल हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं अखिलेश यादव, और उस कार्यक्रम में उनके साथ आजम खां भी होंगे। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर भी लगातार कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, और उनके साथ इस कार्यक्रम में आजम खां भी शिरकत करेंगे। रवाना हो चुके हैं, दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष, और उनके साथ साथ कार्यक्रम में आजम खां भी शिरकत करने वाले हैं। जीरो पॉइंट से मुरादाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रामपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव आजम खां के साथ कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे थे। ये सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीरो पॉइंट से मुरादाबाद के लिए अखिलेश के साथ आजम खां भी हैं, दोनों रवाना हो चुके हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं अखिलेश यादव और आजम खां, काफिला भी उनके साथ चल रहा है। उनकी गाड़ी के पीछे लगातार सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की भी गाड़ी काफिले में देखी जा सकती है, काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। जीरो पॉइंट से मुरादाबाद के लिए अखिलेश यादव के साथ आजम खां हैं, जो कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रही हैं, और दोनों ही रवाना हो चुके हैं। ये हम आपको तब की तस्वीर दिखा रहे हैं जब आजम खां के साथ अखिलेश यादव थे और दोनों एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निकल रहे थे। तो रामचरित मानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद समाज के हर वर्ग से सपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन और विरोध में लोग सामने आ रहे हैं। शनिवार की सुबह अखिल भारतीय संत गाड़गे और बाबा साहब अंबेडकर मिशन के बैनर तले समर्थकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के लोगों ने अखिलेश यादव की प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ भी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ लोग उतरे हैं, तो कहीं लगातार इस विरोध में सुंदरकांड किया जा रहा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ वर्ग ऐसे भी ऐसा भी है जो लगातार उनके इस बयानबाजी को लेकर विरोध कर रहा है, और इसी कड़ी में सुंदरकांड किया गया। कुछ लोग समर्थन में भी उतरे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की। कहीं विरोध तो कहीं समर्थन किया जा रहा है मौर्य के बयान पर। अब लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कई तरह के विवादित बयान अभी भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष इस बयान को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है, तो वहीं अब एक वर्ग ऐसा भी है, एक तबका ऐसा भी है जो इस बयान का समर्थन कर रहा है, तो कहीं तो वहीं बता दें कि एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो इस बयान को लेकर लगातार विरोध भी जता रहा है, और इसी कड़ी में सुंदरकांड भी विरोध को लेकर किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हम आपको ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें। कुछ लोग इस बयान को समर्थन देते हुए भी नजर आए, तो कुछ लोग इस बयान के विरोध में भी सड़कों पर उतर आए, और सुंदरकांड तक सुंदर पाठ तक किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कई लोग, हालांकि कई राजनीतिक नेता भी इस विरोध के समर्थन में उतरे,
कई नेताओं ने टिप्पणी भी की। और इसी कड़ी में हम आपको ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सुंदरकांड भी किया गया विरोध में, और कहीं पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है उनके समर्थन में उतरकर। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर बता दें आपको, आरक्षियों के लिए किए गए हैं तबादले। आरक्षियों के तबादले किए गए, बता दें कि जीआईएस और G20 के चलते आरक्षियों के तबादले किए गए। बड़ी संख्या में आरक्षी मुख्य आरक्षियों के तबादले किए गए। 125 आरक्षी मुख्य आरक्षियों का ट्रैफिक स्थानांतरण किया गया, साथ ही ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन आरक्षियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो बड़ी संख्या में आरक्षियों के तबादले किए गए। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से जीआईएस और G20 सम्मेलन होने वाला है, और इसी कड़ी में ये तबादले किए गए हैं, और कहा जा रहा है कि थाने से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसी के लिए ड्यूटी लगाई गई है। थाने से हटाकर इन तमाम आरक्षियों को ट्रैफिक में ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी जानकारी, 125 आरक्षी मुख्य आरक्षी के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में आरक्षी मुख्य आरक्षी के तबादले किए गए, और ये संख्या 125 बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तबादले किए गए हैं। थाने से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है, इसे देखते हुए थाने से हटाकर इन तमाम आरक्षियों को ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तबादले किए गए। आरक्षियों की संख्या 125 है, आरक्षी मुख्य आरक्षियों की संख्या 125 है जिनके तबादले किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर तबादले किए गए, और इसकी जो खास वजह है वो G20 और GIS को लेकर बताया जा रहा है। ये दो बड़े आयोजन, और इसी वजह से ये तबादले भी किए गए हैं। GIS और G20 के चलते ही तबादलों का मुख्य वजह जो सामने निकल कर आया है, वो मुख्य वजह GIS और G20 सम्मेलन को ही बताया जा रहा है। 125 आरक्षी मुख्य आरक्षी जिनके तबादले किए गए हैं, इन सभी आरक्षियों को थाने से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाया गया है। हम ये आपको सूची दिखा रहे हैं, 125 आरक्षी सूची भी जारी कर दी जा चुकी है, और ये बड़ा फेरबदल और बड़े तबादले इसलिए क्योंकि G20 जो है ये सम्मेलन होना है, और इसी सम्मेलन की वजह से 125 आरक्षी मुख्य आरक्षियों के तबादले किए गए हैं। इन सभी आरक्षियों को थाने से हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े तबादले, 125 आरक्षियों की संख्या, मुख्य आरक्षियों की संख्या कुल मिलाकर दोनों की 125 है, और G20 GIS इसका मेन वजह जो है वो वजह ये दोनों सम्मेलन ही बताई जा रही है। GIS G20 सम्मेलन को लेकर ये बड़े तबादले यहां पर किया गया, बड़ी संख्या में आरक्षियों के तबादले किए गए। तो राजधानी लखनऊ में जीआईएस की तैयारियों का मंडलायुक्त ने जायजा लिया, साथ ही वृंदावन स्थित पार्किंग स्थलों का मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने शहीद पथ से सुल्तानपुर सड़क को जुड़ने वाले मोड़ पर स्थित विद्युत लाइन को शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही शहीद पथ पर टूटी हुई रेलिंग को मरम्मत पेंटिंग करने के भी निर्देश दिए गए, तो वहीं वाहन पार्किंग के लिए भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तस्वीरें हम आपको मंडलायुक्त के द्वारा निरीक्षण के दौरान की दिखा रहे हैं। विद्युत लाइन को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए, जीआईएस की तैयारियों का जायजा मंडलायुक्त ने लिया, और साथ ही जो भी खामियां पाई गई उन सभी खामियों को दूर करने के आदेश जारी किए गए हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, जब मंडलायुक्त निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी उस वक्त की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो भी खामियां उन्हें
समझी गई जो भी खामियां को उन्होंने समझा और जो सामने आए उन सभी खामियों को दूर करने के आदेश भी दिए गए हैं। मंडलायुक्त के द्वारा जायजा लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ की दिखा रही हैं, साथ ही विद्युत लाइन को शिफ्ट करने का भी आदेश दिया गया है। तो कानपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रिजवान और उसके परिवार की बीते महीने गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके बाद फर्जी तरीके से बांग्लादेशी रिजवान को हिंदुस्तानी नागरिक प्रमाणित करने पर विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मनू रहमान का नाम सामने आया था, जिसके बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी को गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं पार्षद मन्नू रहमान पर जांच भी चल रही थी, लेकिन पुलिस जांच में पार्षद मन्नू रहमान को भी अब इसमें संलिप्त पाया गया है और जिसके बाद से ही मन्नू रहमान फरार भी चल रहा है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा है कि आरोपी मन्नू रहमान फरार है और जल्द ही एनबीडब्ल्यू के तहत उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये मूलगंज थाने का मुकदमा है और इसमें हमने अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। इसमें हमने मोहम्मद रिजवान की हैं, हीना की हैं, उनके पिता खालिद की गिरफ्तारी हुई है, उनके तीनों बच्चों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में इसमें हमने माननीय न्यायालय में आवेदन करके इरफान सोलंकी को भी रिमांड पे लिया है और अब हमारे लिए एक सभासद मन्नू रहमान है जिनकी गिरफ्तारी इसमें की जानी है और अगर मन्नू रहमान अभी चूंकि पुलिस के उससे भाग रहे हैं तो अब एनबीडब्ल्यू और 82-83 की कार्यवाही मन्नू रहमान के खिलाफ की जाएगी। ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और इनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है और इन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि ये बांग्लादेशी हैं। आप लोग बैठ जाओ, बात सुन लें दो यार। भैया बरामद हुई थी, हालांकि तो खबर कानपुर से, जहां राजमऊ थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इस्माइल आटेवाले की संपत्ति चिन्हित की गई है। आपको बता दें कि इस्राइल आटेवाले की संपत्ति इस दौरान चिन्हित की गई और जिसके लिए नगर निगम ने से सारे दस्तावेज भी मिल चुके हैं और साथ ही केटीए से भी दस्तावेज मिल गए हैं जिसे विवेचना में जोड़ा गया है। बता दें कि अगले सप्ताह से 14A के तहत संपत्ति सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। एक्ट की जो विवेचना प्रचलन में है उसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, साथ में मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला, इन पांच लोगों की संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। नगर निगम से सारे दस्तावेज मिल गए हैं, केडीए से भी दस्तावेज लगभग मिल गए हैं, कुछ एक और दस्तावेज हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं। साथ में अन्य जो सूचनाएं हमारे पास थी कि इन्होंने दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदी है और कई जगहों पे कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे संपत्तियां बनाई गई हैं, जिनके पास उन संपत्तियों को खरीदने या इस प्रकार के ट्रांजेक्शन का सामर्थ्य भी नहीं है। तो जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे लाइंस बिल्डर्स
अरविंद सिंह के भाई और पार्टनर युवराज सिंह की कोठी को पुलिस ने सील कर दिया। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में आरोपियों की 35.11 करोड़ की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। साथ ही पुलिस ने अलायंस बिल्डर्स युवराज सिंह की कोठी को सील कर दिया। अलायंस बिल्डर्स के सभी 6 निदेशक अरविंद सिंह बग्गा, रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह और हनी कुमार भाटिया की संपत्ति पर ताला लगना है। अलायंस बिल्डर्स के निदेशक की कोठी को सील कर दी गई। हम आपको ये कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलायंस बिल्डर्स युवराज सिंह की कोठी को सील किया गया है। जब प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था उस वक्त की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। तो खबर मथुरा से, जहां जिले में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसी कड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से वहीं पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें, पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग में आरोपी घायल हुआ है, बदमाश घायल हुआ है और लगातार जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। बदमाश को गोली लगी, हालांकि बदमाश को उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मथुरा की ये तस्वीरें, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई पुलिस ने की है। स्थानीय पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर अपराधी जफरू पुत्र याकूब पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। ये 2 प्रकरणों में मांझी चल रहा था। एक विश्वाहन गौशाला से पशुओं की चोरी का मामला था, गोवंश की चोरी का मामला था, जो दिसंबर 2022 का था, और एक जनवरी 2023 की हत्या के प्रयास का मामला था, जिसमें ये फरार चल रहा था। ये कार्रवाई मथुरा में की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। हालांकि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को गोली भी लगी थी और उसके बाद बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। तो बाराबंकी पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया। बता दें कि शाहपुर नहर के किनारे 1 फरवरी को एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला था। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान भी थे। थाना मसौली पुलिस ने शव की शिनाख्त करने का प्रयास भी किया था, लेकिन तभी 2 फरवरी को मृतक की पहचान कलीम के रूप में हुई और मृतक के भाई सलीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। मामले में सर्विलांस व थाना मसौली की संयुक्त पुलिस की टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से कार, मृतक का जूता, मोबाइल, पर्स, 1 आला कत्ल चाकू, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। साथ ही अब पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसमें देखने से लगा कि उसके शरीर पे और बाईं तरफ सीने पे काफी घाव है और शिनाख्त उसकी नहीं हो पाई थी। 2 तारीख को उसके भाई, जो यहीं पीर बटावन के रहने वाले हैं, और वो लोग थाना मसौली पे पहुंचे। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा भाई जो है पीर बटावन आवास पे मुझे छोड़ करके मोटरसाइकिल रख करके सियाज कार लेकर के गया हुआ था। वो लौट के नहीं आया
हम लोगों ने व्हाट्सएप उन सब के माध्यम से जब फोटो देखी, जाकर के पीएम हाउस पे पहचान करा तो वो मेरा भाई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी। अच्छा, बड़ी सिटिंग प्लानिंग की तो खबर औरैया से, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया जिसमें डंपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरे को इलाज के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें कि दोनों युवक डंपर के चालक और कंडक्टर थे। हादसे की वजह घायल कंडक्टर ने बताई कि डंपर के ब्रेक नहीं लगने की वजह से आगे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसा इतना भयानक था कि हाईवे पर खड़े वाहन के साथ गुजर रहे वाहन चालक भी भयभीत हो गए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकालने के लिए क्रेन को बुलवाया और उसकी मदद से ही दोनों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की हालत को बिगड़ता हुआ देख उसे सैफई रेफर कर दिया गया है। गाड़ी खड़ी थी, देखने लगे ढाल से उतर रहे थे, सीधे सनसन चली गई, घल गई पीछे पीछे से गाड़ी में घल गई। आप कहाँ के निवासी हैं? और जो रही नहीं है ये कौन है? जो रही नहीं है ड्राइवर, ये कौन है? ये रानू चितगुआ का। एक आरटीए आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें से एक का नाम लल्ला है, पुत्र बालवीर तोड़ी झांसी का रहने वाला है, और दूसरा है राणा खान, जिस अब्दुल पुत्र अब्दुल वासिद गरवा झारखंड का रहने वाला है, जिसमें से दोनों घायल अवस्था में आए हुए थे, जिसमें राणा खान को चेक करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया है, और लल्ला जो पुत्र बालवीर, उनके उनके पैर में काफी ज्यादा इंजरी आई हुई थी, तो उनके प्राथमिक उपचार के बाद उनको रिफर किया गया। तो देवरिया जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां इकौना थाना क्षेत्र के बकरुआ गांव के रहने वाले एक किशोर का अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को मृतक के फूफा और फुफेरे भाई ने अंजाम दिया है। किशोर 1 फरवरी से गायब चल रहा था। अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने के बाद परिजनों से मोबाइल पर मैसेज भेजकर 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश भी शुरू कर दी थी, लेकिन शनिवार की सुबह करीब 4 बजे उसका शव नगवा गांव के नजदीक झाड़ी में मिला। पुलिस की पूछताछ में आरोपी फूफा और उसके बेटे ने घटना को कबूल कर लिया। ये जनपद देवरिया में थाना इकोना क्षेत्र के अंतर्गत बकरुआ गांव की घटना है, जहां एक 14 वर्षीय लड़का 1 तारीख को घर से बिना किसी को बताए निकल गया था। इनमें शाम तक नहीं मिलने पर परिवारजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया। परिवारजनों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों गायब हुए लड़के के फूफा और उनके लड़के पर शक बताए जाने पर पुलिस द्वारा इन पारिवारिक जनों से पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 महिला विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य पार्शिव चोपड़ा का बुलंदशहर में शानदार स्वागत किया गया। पार्शिव के सम्मान में सड़कों पर युवाओं का हुजूम उतरा। आपको बता दें कि युवाओं ने पार्शिव के स्वागत में बाइक की रैली निकाली और सिकंदराबाद में जगह जगह उनका सम्मान भी हुआ।
तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।